नमस्कार, मैं धीरज कुमार, आप देख रहे हैं भीम रात दस्तक यूट्यूब चैनल। दरअसल आपको बता दें कि बसपा विधायक राजू पाल की वर्षों पहले हुई हत्या के मुकदमे के अहम गवाह अधिवक्ता उमेश पाल की हत्या एवं गनर की हत्या के मामले में बसपा प्रमुख मायावती का बड़ा बयान आया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि प्रयागराज में राजू पाल की वर्षों पहले हुई हत्या के मुकदमे का अहम गवाह अधिवक्ता उमेश पाल व उनके गनर की हत्या के मामले में अतीक अहमद के लड़के एवं उनकी पत्नी के ऊपर FIR दर्ज किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। उन्होंने आगे लिखा कि BSP ने इसका पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए यह निर्णय लिया है कि इस मामले की जांच चल रही है। जांच में इनके दोषी साबित होते ही श्रीमती साइस्ता परवीन पत्नी अतीक अहमद को पार्टी से जरूर निष्कासित कर दिया जाएगा। यह बात भी सर्वविदित है कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का ही प्रोडक्ट है, जिस पार्टी से वह MP MLA आज भी रहा है, तथा अब राजू पाल की पत्नी भी BSP से सपा में चली गई, जिस पार्टी को वह मुख्य दोषी ठहराती थी। अतः इसकी आड़ में कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं है। इसके साथ ही यह भी विदित है कि किसी भी अपराध की सजा BSP द्वारा उनके परिवार व समाज के किसी भी निर्दोष व्यक्ति को नहीं दी जाती है, किंतु यह भी सच है कि पार्टी किसी भी जाति व धर्म के आपराधिक तत्व को बढ़ावा भी नहीं देती है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।